या यूं भी कह सकते हैं कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अपने फेस को ठीक करो, फेसबुक तो ठीक हो जाएगी। जनता के बीच जाएं, गरीबों के बीच जाएं, पहले मीडिया पे इल्जाम, अब सोशल मीडिया पे इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम, इल्जाम पर इल्जाम। इसको ठीक करिए, सब ठीक होगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि फाटलों से आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भर एमपी बनना, वो सच कहते हैं, हम काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ भाषण ही दिए थे, सिर्फ झूठे वादे ही किए थे, एक भी घोषणा पत्र की बात पूरी नहीं की। हम फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक, हमने कहा, कहते थे प्रारंभ से कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इनके नेता ट्वीट करने लगे तारीख बदलो, क्योंकि पहले कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, अब हमने तारीख बताई तो ट्वीट कर दिए। हम बचपन से कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा। 370 भी हटी, 35 भी हटी, लद्दाख भी आजाद हो गई। हमने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटा। नागरिकता संशोधन कानून के बारे में कहा था तो किया, हमारे घोषणा पत्र में था। अब आप अपना घोषणा पत्र बताओ, 2 लाख का 10 दिन में किसी का कर्जा माफ हुआ क्या, किसी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या, बेटियों को स्कूटी मिली का। अब जब आप सिर्फ झूठी बातें करते हैं, झूठे भाषण देते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपको दूसरे भी ऐसे ही लगेंगे कि भाषण से नहीं बनेगा। हमको बीमारू राज्य दिया था कांग्रेस की सरकार ने, दिग्विजय सिंह जी, हमने उसे विकासशील राज्य बनाया और उसे विकसित राज्य बनाने की ओर हम बढ़ रहे हैं।